हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के फरवरी माह के करंट अफेयर के बारे में। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए है या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक की लिंक्स वहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को IBM का CEO बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है अरविंद कृष्णन को IBM का CEO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है दिल्ली में यह आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, अब बात आई है IBM की, तो आपको इसके बारे में बता दें, IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है और इसकी स्थापना 16 जून 1911 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर अर्मोनिक न्यूयॉर्क में है और इसके CEO बनाए गए हैं हाल ही में अरविंद कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण पर नोबल कहा जाने वाला टाइलर अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? जिसका सही ऑप्शन है पवन सुखदेव को यह अवार्ड हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इस महोत्सव की शुरुआत अमरकंटक मध्य प्रदेश से की गई है। दोस्तों, इसका विषय रखा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नमस्ते ऊर्जा उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है निमाड़ी जिले में। निमाड़ी जिले में इस उत्सव का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, बात आई है निमाड़ी की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बता दें। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम जिला है। ओरछा यहीं पर स्थित है। ओरछा में रामायण संग्रहालय भी स्थित है। मध्य प्रदेश को ओरछा नगरी के मध्य प्रदेश की ओरछा नगरी को अयोध्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अपना कुछ समय ओरछा में ही बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जिसका सही ऑप्शन है रानी रामपाल, जो हॉकी की खिलाड़ी हैं और ये हरियाणा की रहने वाली हैं। इन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के नाम से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? जिसका सही ऑप्शन है उमरोई मेघालय में इसका संस्करण शुरू हुआ है और ये 9वां संस्करण है। दोस्तों, आपको बता दें ये संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 दिन का से बढ़ाकर 365 दिन का अस्थायी रोजगार किस राज्य में दिया जाएगा? तो यह है मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश में 100 दिन से बढ़ाकर 365 दिन तक अस्थायी रोजगार दिया जाएगा और इसमें 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। दोस्तों, यह योजना युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत लाई गई है। अब बताइए मेघालय की, तो आपको मेघालय के बारे में बताएं। दोस्तों, मेघालय का फॉर्मेशन यानी इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई थी। यहाँ की राजधानी है शिलोंग। यहाँ के जो गवर्नर हैं वह है तथागत रॉय और CM यानी चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा। यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है। दोस्तों, आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली थाने खोले जाएंगे? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए ये थाने खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा संगीत सम्मान हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये है बीजू शाह, जो गीतकार हैं, इन्हें हाल ही में मालवा संगीत सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 साल बाद फिर से कौन सा देश जुड़ा है? तो यह है मालदीव। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 8वीं बार जीता है? तो ये है नोवाक जोकोविच। इन्होंने हाल ही में यह ऑस्ट्रेलियन टेनिस टूर्नामेंट 8वीं बार जीता है। दोस्तों, अब बात आइए मालदीव की, आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बता दें। मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति हैं वह है इब्राहिम मोहम्मद सोलह है और इसे स्वतंत्रता 26 जुलाई 1965 को इंग्लैंड से ही मिली थी। मैप में आप देख पा रहे होंगे ये माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें गेम्स नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ कराया जाएगा?
तो यह आयोजन गोवा में कराया जाएगा। वहीं 2021 का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में कराया जाएगा। 21 काला घोड़ा उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उत्सव मुंबई में शुरू हुआ है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट अब आपको गोवा के बारे में भी बता दें। दोस्तों, गोवा की स्थापना 30 मई 1987 में की गई थी। यहाँ की राजधानी है पणजी, गवर्नर है सत्यपाल मलिक और सीएम है प्रमोद सावंत। यहाँ राज्यसभा की एक सीट है, वहीं लोकसभा की दो सीटें हैं गोवा में। तो आपको इतना गोवा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में पक्षियों की 5 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है गांधी सागर अभयारण्य, जो मंदसौर में है। इसमें 5 नई प्रजातियों की खोज की गई है। बात आई है मंदसौर की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको मंदसौर के बारे में बता दें। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर था। मध्य प्रदेश की अफीम नगरी के नाम से मंदसौर को जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर में ही बनाई गई है। प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में ही स्थित है। तो आपको इतना मंदसौर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कब विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार इसकी थीम रखी गई है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे दूसरा गौरी लंकेश अवार्ड दिया गया है? तो यह है यूसुफ जमील, जो कश्मीरी पत्रकार हैं। इन्हें हाल ही में दूसरा गौरी लंकेश अवार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह हमारा मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, वहीं बात करें बेहतर योजना क्रियान्वयन के लिए इंदौर को पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का किशोर सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है वाहिदा रहमान को मध्य प्रदेश का किशोर सम्मान दिया गया है। दोस्तों, बात आई है किशोर सम्मान की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बता दें। यह मध्य प्रदेश का संगीत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा अवार्ड है। प्रथम बार 1997-98 में इसे दिया गया था। यह सिनेमा के महान उपलब्धि व्यक्ति वालों को दिया जाता है। दोस्तों, 2014 और 15 में दिलीप कुमार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च महोत्सव किस जिले में मनाया जाएगा? तो यह है खरगोन जिले में मिर्च महोत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार यहाँ की तीखी मिर्ची की ब्रांडिंग भी करेगी। अब बात आई है खरगोन की, तो आपको इसके बारे में मैं आगे इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। दोस्तों, आप तब तक सब्र रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका ने 4 फरवरी को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 72वां स्थापना दिवस श्रीलंका ने 4 फरवरी को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से किस राज्य ने इमरजेंसी लागू की है? तो यह है केरल। केरल राज्य ने देश में सबसे पहले इमरजेंसी लागू की थी कोरोना वायरस की वजह से। बात आई है केरल की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट केरल के बारे में बता दें। मैप में यह जगह केरल को दर्शाती है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 9 सीटें हैं राज्यसभा की और टोटल 20 सीटें हैं लोकसभा की केरल में। तो आपको इतना केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों और महिलाओं की गुम होने में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो यह है महाराष्ट्र और हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मेडागास्कर की मदद के लिए ऑपरेशन बनीला शुरू हुआ है। इसके लिए कौन सा INS भेजा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है INS इरावद। INS इरावद मेडागास्कर की मदद के लिए भेजा गया है। दोस्तों, बात आई है महाराष्ट्र की, तो आपको इसके बारे में बता रहे हैं। मैप में ये जगह आप महाराष्ट्र को देख पा रहे होंगे। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ की राजधानी है मुंबई। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। उद्धव ठाकरे हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं महाराष्ट्र के और टोटल 19 राज्यसभा सीटें हैं। वहीं 48 यानी 48 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिड्डों के आक्रमण से किस देश ने इमरजेंसी घोषित की है? तो यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने टिड्डों के आक्रमण से हाल ही में इमरजेंसी घोषित की है। बाफ्टा फिल्म समारोह में बेस्ट फिल्म का अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? तो यह है 1917 नाम की फिल्म को बाफ्टा फिल्म समारोह में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, अब बात आई है पाकिस्तान की, तो आपको
कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं। मैप में देख पा रहे होंगे, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। इसे स्वतंत्रता 14 अगस्त 1947 को, यानी हमसे एक दिन पहले पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारत के टूरिस्टों के लिए 1200 की वीजा की पेशकश की है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भूटान। यानी अगर आप भूटान घूमने जाते हैं तो आपको 1200 रुपए की एंट्री वीजा लेना होगा कंपलसरी, ये कर दिया है भूटान ने। अब बात आई है भूटान की, तो आपको मैप में इसके बारे में बता दोस्तों, मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। यहाँ के जो मोनार्च यानी राजा हैं वो हैं जिम्मे खेसर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे त्शेरिंग। तो इतना आपको भूटान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। इस बार इसकी थीम आई एम एंड आई विल ये रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो कहां शुरू हुआ है? तो यह लखनऊ में शुरू हुआ है। जीएसटी बिल लेने पर सरकार कितने रुपए तक की लॉटरी देगी? तो यह 1 करोड़ रुपए तक की लॉटरी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी प्राइवेट ट्रेन किस शहर के बीच चलाई गई है? तो इसका सही ऑप्शन है वाराणसी और इंदौर के बीच तीसरी प्राइवेट ट्रेन चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 ट्रिलियन ट्रिबिक गैस की खोज हाल ही में किस देश में हुई है? तो यह है यूएई। यूएई में 80 ट्रिलियन ट्रिबिक गैस की खोज की गई। दोस्तों बात आई है यूएई की, तो आपको इसके बारे में बता दें, यूएई को आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये जगह है यूएई। यूएई की राजधानी अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं खालिफ बिन जयाद अल नहयान और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन रशीद। तो आपको इतना यूएई के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन है जो हाल ही में धरती पर वापस लौटी हैं? तो इनका नाम है क्रिस्टियाना कोच। ये यूएसए की हैं और ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से चुनी गई आईआईटी कौन सी है जिसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है? तो यह है मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। दोस्तों इसके अलावा सूरत, अगरतला, भागलपुर और रायपुर की आईआईटी को इस राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? जिसका सही ऑप्शन है अभिषेक डामलिया को बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन नोएडा में किया जाएगा। दोस्तों इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वह एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में जमा राशि पर बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो यह है 5 लाख रुपए। दोस्तों इसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं, यदि आपका 1 करोड़ रुपए जमा है बैंक में और वो बैंक दिवालिया हो जाता है तो आपको उसके बदले यानी 1 करोड़ के बदले आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले यह बीमा कवर 1 लाख था, अब हाल ही में बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफ्रीकी देशों के बीच हथियार को लेकर एक डिक्लेरेशन हुआ है, उसका नाम क्या है? तो यह है लखनऊ डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा चीन को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने डॉलर की सहायता दी गई है? तो यह है 675 मिलियन डॉलर की सहायता WHO द्वारा चीन को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूड स्टील उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। दोस्तों बात आई है WHO की, तो आपको इसके बारे में बता दें, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और यहाँ के जो हेड हैं हाल ही में वो हैं टेड्रोस अधानोम, यहाँ के हेड बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का संगीत के क्षेत्र का लता मंगेशकर अवार्ड
किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है गायिका सुमन कल्याणपुरी और कुलदीप सैन को, इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें लता मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत 1984 में की गई थी, यानी 1984 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें 2 लाख रुपए तक की राशि इन्हें दी जाती है और पहला अवार्ड नौशाद को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में कौन सा नया सीपोर्ट बनाया जा रहा है? तो बादवान सीपोर्ट महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सीफूड की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो यह है कोच्चि, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय सीफूड की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट अपनी कौन सी सहायक कंपनी बंद करेगी? तो यह है जबोंग, फ्लिपकार्ट अपनी जबोंग सहायक कंपनी है जो उसे बंद कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 40वां स्थान है। दोस्तों आपको बता दें 2019 में भारत का 36वां स्थान था, अब हम 4 स्थान पीछे होकर 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के नए डीजीपी कौन होंगे? तो यह होंगे राजेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन महेश्वर जो खरगोन में है यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों बात आई है खरगोन की तो आपको अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बता दें। सुनहरा यानी सफेद सोने जिसे कपास कहा जाता है यह खरगोन में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। सर्वाधिक हाइड्रम जल पंप खरगोन में ही है। दोस्तों बाजीराव पेशवा की समाधि खरगोन जिले में ही स्थित है। देश का पहला मोबाइल बैंक खरगोन में ही खोला गया था। महेश्वर में देवी अहिल्याबाई और राजा सहस्त्रार्जुन की राजधानी थी। दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन खरगोन में ही होता है। संत सिंगाजी का मेला यहीं पर लगता है और कपास अनुसंधान केंद्र भी खरगोन में ही स्थित है। तो इतना आपको खरगोन के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो टॉलरेंस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 6 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों इस बार इसकी थीम रखी गई है अनलेसिंग यूथ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड किस राज्य देश में है? तो इसका सही ऑप्शन है साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड है और यह स्पीड है 103 MB/s। दोस्तों इस लिस्ट में भारत का स्थान 128वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश के पहले पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो यह है राजा महेंद्र वर्मन में। दिशा अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश का पहला पुलिस स्टेशन खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला गिरमिटिया लिखने वाले लेखक का निधन हुआ है ये कौन है? तो इनका नाम है गिरिराज किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 19 क्रिकेट कप का किसने जीता है? तो यह बांग्लादेश ने जीता है। दोस्तों बात आई है बांग्लादेश की तो आपको इसके बारे में बता दें, मैप में ये देख पा रहे होंगे ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद, यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और इसे 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में किसने टॉप किया है? तो यह है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने इस लिस्ट में टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के ध्रुवों का परीक्षण करने कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो इस मिशन का नाम है सोलर ऑर्बिटर, यह नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से इस मिशन को शुरू किया गया है जो सूर्य के ध्रुवों का परीक्षण करेगा, इसका नाम है सोलर ऑर्बिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़े देश का हर नागरिक योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो यह की गई है देहरादून से गोचर बद्रीनाथ के बीच और इसका थीम रखी गई है उड़े देश का हर नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो यह है सुषमा स्वराज राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ESPN क्रिकेट अवार्ड में किसे कप्तान ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह है इयान मॉर्गन जो इंग्लैंड की हैं, इन्हें ESPN क्रिकेट अवार्ड में कप्तान ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 फरवरी को मनाया जाता है। कोरोना वायरस का नया नाम क्या रखा गया है? तो COVID-19 कोरोना वायरस का नया नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रखी गई है वह है रेडियो एंड डाइवर्सिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया का नया प्रमुख हाल ही में किसे बनाया गया है? तो यह है राजीव बंसल। अश्विनी लोहानी की जगह राजीव बंसल को एयर इंडिया का नया प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये हैं मनप्रीत सिंह, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं, इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट हॉकी फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों बात आई है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो आपको इसके बारे में बता दें, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसेन स्विट्जरलैंड में है। इसके मेंबर देश हैं 137 और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वह हैं नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया गया है? तो INS शिवाजी को राष्ट्रपति कलर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए 1 रुपए के नोट का कलर क्या होगा? तो नए 1 रुपए के नोट का कलर होगा पर्पल क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का 23वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है मुंबई में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर इस दिवस की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो इसका नाम हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा गया है। इसका पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम है। इसकी दर्शक क्षमता 110,000 है और यह दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या को गैदर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम क्या है जो 3 ज्योतिर्लिंग को जोड़ेगी? तो इसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस, जो काशी विश्वनाथ के बाबा विश्वनाथ मंदिर, महाकालेश्वर जो उज्जैन में है और ओमकारेश्वर जो खरगोन में है, इन तीनों महाकाल की यानी तीनों ज्योतिर्लिंग को जोड़ेगी काशी महाकाल एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पटवारी को डिजिटल बनाने लैपटॉप वितरण किए जाएंगे? तो यह है मध्य प्रदेश में लैपटॉप वितरण किए जाएंगे और इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के सागर जिले से की गई है। हाल ही में दिल्ली के कौन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ये है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के तीसरी बार नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे बड़े दानी कौन बने हैं? तो ये हैं राधा कृष्ण दमानी, जो डी मार्ट के चेयरमैन हैं। यह भारत के दूसरे सबसे बड़े आदमी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एजेंसी क्या है? तो यह इसरो की एक सहायक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAA के खिलाफ कानून पारित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो यह है पुडुचेरी है, जो CAA के खिलाफ कानून पारित करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। वहीं दोस्तों अगर बात करें राज्य की, तो केरल ऐसा पहला राज्य था जिसने CAA के खिलाफ कानून पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कौन सा राज्य है जहां पानी दूषित करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है? तो यह है मध्य प्रदेश। अगर आप मध्य प्रदेश में पानी दूषित करते हैं तो आपको सजा और जुर्माना दोनों दिए जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमचू ट्रंप थीम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नमस्ते ट्रंप इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो यह है चीनानी नासी सुरंग, जो 9.2 किलोमीटर लंबी है और इसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो एशिया 2020 का 17वां संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASI द्वारा दारा सुकोई की कब्र का पता लगाने किस जगह 7 सदस्यीय पैनल गठित किया गया है? तो दोस्तों जो दारा सुकोई की कब्र है यह कहां स्थित है? तो यह हुमायूं को मकबरा दिल्ली में है, जो यहां पर दारा सुकोई की कब्र स्थित है। लेकिन दोस्तों यहां पर बहुत सारी कब्र होने के कारण यह पता नहीं लगाया जा सका है कि दारा सुकोई की कब्र कौन सी है। तो इसका कब्र का पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है ASI द्वारा। अब ये ASI क्या है आपको इसके बारे में बता दें। ASI का फुल फॉर्म आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डायरेक्टर है उषा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी बनी है? तो यह है भारत। भारत की GDP 2.9 लाख करोड़ रुपए है। इसके साथ ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है?
तो इसका सही ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 2011 का वर्ल्ड कप जब जीता था हमने, तब सचिन की आंखों से आंसू आए थे और इसी मूवमेंट को लॉरेंस स्पोर्ट मूवमेंट ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार पेगुलिन को रेडियो टैग किस राज्य ने पहनाए हैं, तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन फुटबॉल कप 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी बनी है, तो यह है हिंदी। हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बनी है। दोस्तों आपको बता दें दुनिया में सबसे ज्यादा मैंडारिन, जिसे हम चीनी भाषा के नाम से भी जानते हैं, यह बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर इंडेक्स की वर्ल्ड वाइड एजुकेशन रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, तो यह है 35वां स्थान भारत का है, वहीं पहला स्थान नॉर्वे का है। तो आपको इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नए सतर्कता आयुक्त बने हैं, इसका सही ऑप्शन है संजय कोठारी, जो राष्ट्रपति के पूर्व सचिव थे, ये नए मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं। हाल ही में कौन नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, तो ये हैं बिमल जुल्का, जिन्हें हाल ही में नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल सस्टेनेबल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो 131वां स्थान है भारत का ग्लोबल सस्टेनेबल इंडेक्स में। दोस्तों आपको बता दें पहला स्थान है नॉर्वे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन प्रजातियों को लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों में शामिल किया गया है, तो ये तीन प्रजातियां हैं, इनके नाम आपको बता दें, तो पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा है बंगाल क्लोरिकन और तीसरा है एशियाई हाथी, इन तीनों को लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति में शामिल किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी डेल्टा क्षेत्र को कौन सा राज्य संरक्षित करेगा, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित करेगा। दोस्तों बात आई है तमिलनाडु की, तो आपको इसके बारे में बता दें, मैप में ये देख पा रहे होंगे आप तमिलनाडु को, तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। राजधानी है चेन्नई, यहाँ के जो गवर्नर है वह है बनवारीलाल पुरोहित, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ओ पलानीस्वामी और यहाँ पर 18 राज्यसभा सीटें हैं, वहीं 39 लोकसभा सीटें हैं तमिलनाडु में। तो आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सोने की खान मिली है, तो यह है सोनभद्र, जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर सोने की कुछ खानें मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट और तंबाकू खरीदने के लिए कितनी उम्र होना जरूरी है, तो यह है 21 साल। दोस्तों यह उम्र पहले 18 साल हुआ करती थी, लेकिन अब हाल ही में आपको अगर सिगरेट और तंबाकू खरीदना है तो आपकी कम से कम 21 साल तक उम्र होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना है, तो यह है यूएसए। भारत और यूएसए के बीच कुल व्यापार 8,795 करोड़ डॉलर का हुआ है, इसी के साथ यह भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। दोस्तों आपको बता दें एक साल में 18% का उछाल आया है भारत और यूएसए के पार्टनरशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हाल ही में कहाँ शुरू हुए हैं, तो यह भुवनेश्वर में शुरू हुए। दोस्तों आपको बता दें पहला गोल्ड जम्मू के क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने जीता है और यह खेल था महिला फेंसिंग को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ की रक्षा और सुरक्षा बैठक हाल ही में कहां आयोजित की गई है, तो इसका सही ऑप्शन है पाकिस्तान में। एससीओ की रक्षा और सुरक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। दोस्तों अब बात आई है एससीओ की, तो आपको इसके बारे में बता दें, एससीओ का फुल फॉर्म संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका फॉर्मेशन 2001 में किया गया था, हेडक्वार्टर बीजिंग में है, टोटल 8 कंट्रीज के मेंबर देश हैं, वहां जो डायरेक्टर जनरल हैं वह हैं व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे निर्माण संगठन द्वारा भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा बनाया जा रहा है, तो यह है मकरू नदी पर जो मणिपुर में है, यहां पर 100 मीटर लंबा पुल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, तो यह है 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो हाल ही में जीआर चिंताला को नाबार्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चटर्जी का निधन हुआ हाल ही में, ये कौन थे, तो ये एक फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह गाजियाबाद है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत के कुल 21 शहर इस लिस्ट में हैं, वहीं दिल्ली का स्थान पांचवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी विधि आयोग की स्थापना की गई है? तो 22वें विधि आयोग की स्थापना हाल ही में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो यह है 46वां संस्करण शुरू हुआ है खजुराहो नृत्य महोत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतोना आंदोलन जो सागर में शुरू हुआ था, इसने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसने 100 वर्ष पूरे किए हैं हाल ही में। आपको बता दें दोस्तों, रतोना आंदोलन मध्य प्रदेश के सागर जिले में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन स्टडी गैलरी कहाँ शुरू हुई है? तो यह है गुजरी महल ग्वालियर में शुरू हुई है और इसका नाम रखा गया है ओपन स्टडी गैलरी। दोस्तों आपको बता दें, ग्वालियर के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला फैक्ट है, ग्वालियर को पहले गोपचाल के नाम से जाना जाता था। तानसेन की नगरी के नाम से भी ग्वालियर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राजस्व मुख्यालय एवं महालेखाकार कार्यालय भी ग्वालियर में ही स्थित है। मोहम्मद गौस का मकबरा और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर जिले में ही स्थित है। राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में ही है। एशिया का प्रथम शारीरिक परीक्षण केंद्र भी ग्वालियर में ही है, जिसे 1957 में बनाया गया था। विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, यह ग्वालियर में ही स्थित है। दोस्तों ग्वालियर के किले को किलों का रत्न यानी जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट कहा जाता है। इसे राजा सूरजसेन द्वारा बनाया गया था। सोनचिड़िया संरक्षण अभ्यारण्य, जिसे घाटीगांव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, यह ग्वालियर में ही स्थित है। तो दोस्तों इतना आपको ग्वालियर के इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन जहां 50 रुपए में मेडिकल जांच के साथ 16 और तरीके की जांच भी की जाएगी, यह कौन सा स्टेशन है? तो यह है ग्वालियर रेलवे स्टेशन, जहां पर 50 रुपए में मेडिकल जांच के अलावा 16 और तरीके की भी जांचें की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया सारापोवा ने हाल ही में संन्यास लिया है, ये किस खेल से जुड़ी है? तो इसका सही ऑप्शन है टेनिस से। इन्होंने 32 वर्ष की उम्र में हाल ही में संन्यास लिया है और ये टेनिस की अच्छी महान प्लेयर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो ये हैं मिशेल मिया विज को अजय बग्गा की जगह मास्टर कार्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य पर किस बैंक पर से बैन हटा लिया है? तो यह है बंधन बैंक। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह है प्रज्ञान ओझा, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की मध्य प्रदेश के फरवरी माह के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवारजन के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।